हाय दोस्तों, मेरा नाम है शफीक और आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है एजुअल फ्रीडर। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत सारी बुक्स के बारे में बात करता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बुक जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है 40 रूल्स ऑफ लव बाय एलिफ शफाक। 40 रूल्स ऑफ लव एक हिस्टोरिकल फिक्शन है जिसमें स्टोरी है एक औरत की जो 40 साल की होती है, उसका नाम होता है ईला। ईला अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से काफ़ी परेशान हो जाती है और पक जाती है एक तरह से। उसके दो बच्चे होते हैं और उसका एक हस्बैंड भी होता है। सडनली उसको एक बुक उसके हाथ लगती है जिसका नाम होता है सूरज ब्लास्टमी। सो वो बुक उसको काफ़ी पसंद भी आती है और उसी तरीके से वो उस बुक के जो राइटर हैं उसको डिस्कवर करने की कोशिश करती है कि वो कहाँ हैं, और सडनली वो उससे कांटेक्ट कर लेती है। तो इस बुक के अंदर ईला एक बुक भी पढ़ रही होती है जिसका नाम था स्वीट ब्लास्फेमी, जिसमें शम्स ऑफ तबरीज जो एक सूफ़ी है उनकी स्टोरी होती है, और उनके साथ जो जलालुद्दीन रूमी होते हैं जो काफ़ी फेमस पोइट भी हैं, तो उनकी स्टोरी भी इसके इर्द गिर्द घूमती है। हिस्टोरिकल फिक्शन में इसी तरह की चीज़ें होती है जिसमें हिस्ट्री के इवेंट्स के बारे में बात होती है। इसकी स्टोरी इस बारे में है कि ईला किस तरीके से अपनी लाइफ को दोबारा से इंटरेस्टिंग बनाती है। इसमें जो 40 रूल्स ऑफ लव हैं उसी के बीच में डिस्कस होते हैं, जिनको बयान करते हैं शम्स ऑफ तबरेज। तो ये बुक आपको काफ़ी पसंद आएगी, मुझे तो ये बुक बहुत ही पसंद आई। अलिफ शफाक की राइटिंग स्टाइल भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक है 1000 स्प्लेंडेड सन्स। इसका वीडियो मैंने कुछ ही कल ही परसों में अपलोड किया है। इस बुक की राइटिंग मुझे काफ़ी पसंद आई जो खालिद हुसैनी की है। खालिद हुसैनी की एक बुक और भी मेरे पास अवेलेबल है, पढ़ी है, लेकिन उसको मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। उस बुक का नाम है काइट रनर। तो मुझे ये बुक काफ़ी पसंद आई, आप इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक है हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकेंस। ये बुक एक क्लासिक बुक है जिसकी राइटिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है अगर आप एक बिगिनर हैं और ज़्यादा आपने पढ़ा नहीं है बुक्स को। इस बुक का प्लॉट एक गांव का होता है और इस बुक को लिखा गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। इस बुक में एक लड़की की कहानी है जो सिर्फ अपने बाप की बात मान लेती है, सिर्फ ये समझ के कि जो भी वो कहेंगे वो सही होगा। तो इस बुक का एसेंस ये है कि आप किसी भी चीज़ को सिर्फ ये समझ कर नहीं मान सकते कि वो लिखा हुआ है और ऐसा ही चलता आ रहा है, और आप किसी चीज़ को बांध नहीं सकते क्योंकि उससे फिर आप अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले जाएंगे, जिससे आप नॉर्मल अपनी लाइफ जो है उसको भी जीना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस बुक को आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, मुझे काफ़ी पसंद आई। नेक्स्ट बुक है जेन आयर बाय चार्लोट ब्रांटे। इस बुक में कहानी है एक लड़की की जो कि ऑर्फन होती है, और जब वो बहुत कम एज की होती है तभी उसके माँ बाप उसके साथ नहीं होते हैं, तो वो अपनी एक आंटी के यहाँ पर बचपन उसका गुजरता है। फिर वहाँ से वो उसको एक बोर्डिंग स्कूल टाइप जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ से उसकी एजुकेशन होती है। ये भी एक क्लासिक बुक है, इसकी राइटिंग स्टाइल डिफ़िकल्ट हो सकती है जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। इस बुक में कहानी है कंपैशन की, और किस तरीके से आप अपनी सेल्फ जो है उसको किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं डिफ़िकल्ट टाइम में भी, और किस तरीके से आप अपना आप जो आपका सेल्फ है उसको मजबूर होकर के उसको बेच देते हैं, उस तरह की जो स्टोरी होती है ये बिल्कुल उसके अपोजिट है कि किस तरीके से आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये बुक भी मुझे काफ़ी पसंद आई। अगर आप क्लासिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट बुक है ऑलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस अगेन। तो ये बुक भी चार्ल्स डिकेंस की है, क्लासिक बुक है। ये भी उसी टाइम पीरियड में लिखी गई है, 18th century के आसपास। तो इस बुक में एक कहानी होती है एक लड़के की जिसका नाम होता है ऑलिवर ट्विस्ट एक लड़के का नाम है। तो वो भी एक ऑर्फन होता है, और जब वो बोर्न होता है तो उसकी माँ जो है वो मर जाती है, और फिर उसके बाद उसको सर्वाइव करना किस तरीके से मुश्किल होता है ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर बीच में वो एक जेंटलमैन से मिलते हैं जो कि उसकी काफ़ी मदद भी करता है, और लास्ट में इस स्टोरी के एंडिंग में आप ये डिस्कवर करेंगे कि किस तरीके से उन सब मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में। नेक्स्ट बुक है द नेम सेक। इस बुक में कहानी एक लड़के की जो अपने नाम को पसंद नहीं करता है, और बंगाली जो कल्चर है उसके अंदर ऐसा रहता है कि नाम जो है एक गुड नेम होता है और एक पैट नेम होता है आपका। उस लड़के का नाम रखने में प्रॉब्लम ये आती है कि जो लड़के की एक रिलेटिव होती है जो कि रिश्ते में एक तरह से उसकी दादी कह सकते हैं आप, वो अपने लेटर में इस बच्चे का नाम पहले से रख देती है, लेकिन वो लेटर मिल नहीं पाता है, वो लेटर कहीं खो जाता है। तो लड़के का नाम उसका बाप जो रहता है वो उसका नाम रख देता है, और उसका नाम वो रखता है गोगोल गांगुली, यानी गोगोल उसका नाम रख दिया जाता है, और गांगुली जो है सरनेम होता है
तो वो ज़िंदगी भर अपने इस्लाम को हेट कर रहा होता है। इस बुक में कहानी ये भी है कि किस तरीके से इंडियन जो लोग होते हैं वो विदेश में चले जाते हैं, तो वहाँ पर उनके बच्चे जो पैदा होते हैं वो किस तरीके से उनसे डिफरेंट होते हैं, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमारी तरह उतना ही वैसे ही सोचें जैसे इंडियंस लोग या इंडियंस सोचते हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ये बुक मुझे काफ़ी पसंद आई और झम्पा लाहिरी की राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, आप इस बुक को ज़रूर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक है वुदरिंग हाइट्स, तो ये भी एक क्लासिक बुक है, इसकी राइटिंग भी इतनी सिंपल नहीं है लेकिन राइटिंग थोड़ी सी पोइटिक है तो मुझे काफ़ी पसंद आई। अगेन इस बुक में कहानी एक लड़की की होती है और इस बुक को गोथिक फिक्शन भी कहा जाता है, जिसमें चीज़ें थोड़ी सी स्कैरी होती हैं लेकिन उतनी स्कैरी नहीं भी होती, उतनी डरावनी या भूतिया टाइप की स्टोरी नहीं भी होती है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट होता है उसका। तो इस बुक में कहानी एक तरह से लव की है कि प्यार के अंदर इंसान कितना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है और अपनी सारी लिमिट्स भी वो भूल जाता है, तो आप इस बुक में ये चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं। इस बुक की स्टोरी मुझे काफ़ी पसंद आई लेकिन ये क्लासिक है इसलिए इसको पढ़ना उतना ईजी नहीं है, अगर आप पहले से एक रीडर हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट बुक है द इडियट बाय फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, शायद मैं नाम प्रोनाउंसिएशन में मुझे पता नहीं किस तरीके से किया लेकिन इसी तरीके से इसको पढ़ते हैं। फ्योदोर दोस्तोयेवस्की राइटर का नाम है, बुक का नाम है द इडियट। तो इस बुक में काफ़ी अच्छी स्टोरी है एक लड़के की जिसको प्रॉब्लम होती है मेंटल, तो वो अपना इलाज करवा के स्विट्ज़रलैंड से वापस अपने जो देश रशिया है उसमें आ रहा होता है, लेकिन उसकी फैमिली नहीं होती है तो वो अपने आंट के पास या अपनी आंटी के पास लौट रहा होता है, जो कि रिश्ते में उसकी मासी लगती है। वहाँ से वो किस तरीके से अपनी इस लाइफ में आगे बढ़ता है और उसकी जर्नी कैसी रहती है, इसी के बारे में बुक है। बुक में आपको बुक का एसेंस ये है कि आप जो सोचते हैं वो डिफरेंट हो सकता है दूसरे लोगों से, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी बात पे टिके रहें और इस तरीके से वेरिफिकेशन ना ढूंढे दूसरे लोगों की बातों से कि आप ठीक तरीके से बात करते हैं, आप कितने नॉर्मल हैं कितने नॉर्मल नहीं हैं, तो ये उसी बारे में बुक है। क्योंकि आपका एक अपना एक पर्सनैलिटी होती है तो आप दूसरे लोगों से उसकी वेरिफिकेशन चाहते हैं कि आप सच में नॉर्मल है भी या नहीं, तो ये बुक उसी के बारे में है, आप इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। फ्योदोर दोस्तोयेवस्की एक फिलोसोफर भी हैं और साथ में बहुत अच्छी राइटिंग उनकी है, राइटिंग स्टाइल भी अच्छा है, बेसिकली वो रशियन में लिखते हैं आई थिंक, और ये ट्रांसलेशन है उनकी उस बुक का, तो इस बुक को आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। बुक मुझे काफ़ी पसंद आई और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी। नेक्स्ट बुक है काफ्का ऑन द शोर बाय हारुकी मुराकामी, तो ये बुक काफ़ी फेमस है, आपने इसका नाम सुना होगा। इस बुक में कहानी अगेन एक लड़के की होती है जो कि कम एज का होता है, तो वो अपने घर से भाग जाता है क्योंकि उसको उसके बाप के साथ जो है उस तरह का कनेक्शन नहीं होता है। ये स्टोरी एक मैजिकल रियलिज्म पे बेस्ड है, यानी मैजिकल रियलिज्म यानी वो चीज़ जिसमें मैजिक भी होता है लेकिन बिल्कुल मैजिकल वर्ल्ड में आप नहीं चले जाते हैं, आप रियल वर्ल्ड में ही होते हैं, उसी के बीच ये कहानी घूमती है एक लड़के की। मुझे हारुकी मुराकामी की बुक्स पसंद है, मैंने उनकी नॉर्वेजियन वुड भी पढ़ी है लेकिन ये बुक मैंने 2021 में पढ़ी है तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको। लड़का अपने घर से चला जाता है, उसके बाद उसको दूसरे लोग मिलते हैं, पैरेलल इसमें दो कहानियाँ चल रही होती हैं, एक तो उस लड़के की कहानी होती है और एक मिस्टर नकाता की कहानी होती है, जो कि थोड़े से एक दूसरी दुनिया के इंसान बन जाते हैं एक तरीके से, जिसमें उनको एक कम्युनिकेशन होता है और अननोन कम्युनिकेशन उनके साथ, जिसमें उनको चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं कि जो होने वाली होती हैं, यानी कल क्या होगा उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें, मुझे ये बुक काफ़ी पसंद आई और हारुकी मुराकामी की और भी बुक्स मैं ज़रूर पढ़ूंगा। नेक्स्ट बुक है सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कवी, तो इस बुक के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि बहुत सारी बुक होती हैं जो लाइफ किसी एक एस्पेक्ट पे बात कर रही होती है, लेकिन ऐसी बुक कम होती है जो पूरी लाइफ के बारे में और पूरी लाइफ के हर एस्पेक्ट को मैनेज करने के बारे में और उसको लीड करने के बारे में होती है, तो उन्हीं में से ये एक बुक है। इस बुक में सेवन हैबिट्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, कम्बाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले आप उसको सोचते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी आपका अप्रोच इनसाइड आउट होता है, पहले आप सोचते हैं फिर उसका अप्रोच करते हैं, आउटसाइड इन नहीं होता है कि पहले आपको किसी और चीज़ को देखें और उसके बाद उसको आप समझें और फिर बनाएं। एक्चुअली आपको अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके पहले चीज़ खुद सोचनी होती है
और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे कि किसी घर को बनाने से पहले आप उसका नक्शा बनाते हैं। अगर आप बिना नक्शा बनाए घर बनाना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें आपको चाहिए होती है उस घर में, उसको आप एक तरह से इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर आपका जो घर बनेगा उसको आप इमेजिन कर सकते हैं, वो किसी काम का नहीं होगा। तो पहले आपको सोचना होता है कि आपको क्या क्या चाहिए होता है, पहले आप सोचते हैं फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। इस बुक को, इस अप्रोच को बोलते हैं इनसाइड आउट। तो इसी इनसाइड आउट अप्रोच पे बेस्ड है पूरी बुक, जिसमें 7 हैबिट्स होती हैं जिससे आपकी लाइफ इफेक्टिव होती है और लाइफ में आप जो भी करते हैं उसको इफेक्टिवली करते हैं। तो सो प्रेमचंद की एक बुक भी मैंने पढ़ी थी, गोदान, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसकी स्टोरी भी आती रहती थी दूरदर्शन पे पुराने टाइम में। तो उस बुक के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उस बुक की कॉपी एक्चुअली मेरे पास अभी नहीं है। प्रेमचंद की बुक में जैसे कि आपने सुना होगा कि वो एक तरह से पुराने जो कल्चर रहा है इंडिया का, पुराना बैकग्राउंड रहा है जिसमें गरीबी और भुखमरी और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उसी बैकग्राउंड के अंदर ये स्टोरी है जिसमें कैरेक्टर होता है होरी। होरी जो होता है एक्चुअली वो ज़मींदारों के चक्कर में या उनके एक जाल में फंसा हुआ होता है, कर्जे में डूबा हुआ होता है। तो होरी किस तरीके से उन सारी प्रॉब्लम से निकलता है और किस तरीके से उनसे जूझता है, इसी के बारे में कहानी है। इस बुक में कहानी सिर्फ होरी की ही नहीं है, इसमें मिडिल क्लास की भी एक स्टोरी सुनाई गई है, मिडिल क्लास पीपल्स की। और इसमें जो सोशल कॉमेंट्री है प्रेमचंद की, वो भी मुझे काफ़ी पसंद आई। तो बुक ऑब्वियसली पुराने टाइम में लिखी गई है, इसलिए आपको थोड़ी सी ओल्डिश लग सकती है, लेकिन अगर आप हिंदी बुक पढ़ना चाहते हैं तो प्रेमचंद की गोदान आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। उसकी लैंग्वेज काफ़ी ईजी है और अगर आप हिंदी पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए वो काफ़ी ईजी ही लगेगी आपको। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो चुका है, उसको भी आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को अगर आप पसंद किया है आपने तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें। इसी तरह की और भी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। और आपने 2021 में कौन कौन सी बुक पढ़ी हैं वो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं बिल्कुल उन कमेंट्स को चेक करूँगा। और अगर कोई ऐसी बुक है जो आप मुझे रिकमेंड करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उसके बारे में बात करूँ, तो आप उसको ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।